आज हम अपना टेस्ट करने वाले हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन था, कंप्लीट द पैटर्न। अब इस पैटर्न को पूरा करना है। ये ट्रायंगल बन जाएंगे दो सेम। जैसे पहले चार बिंदु ऊपर थे, फिर यहाँ नीचे गए, फिर से नीचे गए, अब चार बिंदु फिर ऊपर आएंगे। अरे एक बिंदु नीचे जाएगा। अब फिर ये वाला दूसरा वाला, चार बिंदु इधर, एक बिंदु ऊपर। अब ये है एन, फिर जेड, फिर एन, फिर से जेड आएगा, फिर अब एन आएगा। अब ये वाला दूसरा प्रश्न है, इसमें हमने दो दो जोड़ने, जैसे पहले थ्री। ये वाला भी तो है जी वाला। राइट थ्री डिजिट नंबर विच रिमेंबर सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट एंड रीडिंग। इसमें हमने कुछ संख्या लिखनी है जो दाईं ओर से दिखने पे भी ऐसी रहेंगी और बाईं ओर से भी। एक है 888, दूसरा 111, तीसरा एक 101। अब इसमें दो जोड़ने हैं, पहले थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर अब नाइन आएगा, फिर अब 11। अब इसमें फोर जोड़ने हैं, जैसे पहले 20, फिर 24, 28, अब 32, फिर 36। अब इसमें ये पहले नाइन को एक से घटा के आठ से भाग दिया तो वन आया। तो ये भी एक पैटर्न है ना, ये भी एक पैटर्न है पूरा की जो इस पैटर्न को देखिए। जैसे पहले नौ था, फिर नौ आठ, फिर नौ आठ सात, फिर नौ आठ सात छः, अब नौ आठ सात छः पाँच आएगा। अब इस बॉक्स को बनना है। इसमें इधर से दिखने में भी 75 आना चाहिए, इधर से भी और इधर से भी। यहाँ पे आएगा पहले 21 से लेके 29 तक। यहाँ पे आएगा पहले 23, यहाँ पे आएगा 24। अब इसे इन्हें प्लस करना है, इनको प्लस करके देखना है कि 75 कितने में आएगा। पहले 24 को और 23 को प्लस करना है। 20 कितना आना चाहिए बताओ। ओके लिखो, और बच्चे बता रहे हैं कितना आएगा। 28 लिखो। और यहाँ पे 23। पहले ऐसे में देख लो, अभी 24 और 25 आ गया, अब यहाँ पे भरो 26। ओके 26, अब यहाँ बीच का पता चल जाएगा। 21। वेरी गुड 21। अब यहाँ नीचे का पता चल जाएगा 25 और 28, 29। वेरी गुड। अब यहाँ का पता चल जाएगा। अब यहाँ का 22। बस हो गया, ठीक है सर। वेरी गुड।